नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। सारे बच्चे सेशन को जरूर शेयर करेंगे। बच्चों, अभी हमने क्लास स्टार्ट कर लिया था और पता चला बाद में कि आपके आवाज़ ही नहीं आ रही है, तुमको उसको फिर से डिसकनेक्ट करके फिर से क्लास लगाना पड़ा। बहुत बहुत बधाई हो बच्चों आपका, आपके दुआओं का खेल है थोड़ा सा, और प्रभु ने चाहा तो हमारी फैमिली बहुत जल्द बड़ी होगी। बच्चों, ये आप पे डिपेंड करेगा। आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे डीएलएड की क्लासेस प्लस बच्चों यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की क्लासेस और अन्य कर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों लेखपाल के लिए। तो जो क्लासेस दिए जाते हैं वैसा नहीं कि वह अलग अलग मतलब कि क्लास होते हैं, नहीं बच्चों, सबके लगभग लगभग अगर बात करें लेखपाल की वैकेंसी हो चाहे जो भी वैकेंसी हो बच्चों, उसमें हिंदी तो समान होते हैं। और हिंदी का इतना विधिवत लेक्चर दे दिया गया बच्चों, उसमें टॉपिक वाइज मैराथन लिया गया है, आप देखेंगे ना तो दिल खुश हो जाएगा। दो दो तीन 300 प्रश्न का बच्चों यूपी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर, सी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ सॉल्व कराया गया बच्चों। आप कर लेना, 2021 का जो पेपर हुआ था अभी आउट, उसका भी सॉल्व हमने दे दिया है। सेपरेट आएंगे जब आप प्लेलिस्ट में बच्चों, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा सारे चीज़ें प्लेलिस्ट में सजा के हमने रखा है। आप प्लेलिस्ट में पढ़ लेंगे, उसमें सारी वीडियो अवेलेबल हो जाएंगी। चाहे मैथ देख लें यूपी टेट का, चाहे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ की बात करें, चाहे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की मैथ की बात करें, बच्चों सब कुछ अवेलेबल है आपको उसमें, आ जाएंगे ले लेंगे। जो बच्चे मांग कर रहे थे कि सर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का मैथ का लेक्चर कहाँ है, बच्चों वो प्ले लिस्ट में ही मिल जाएगा आपको, आप ले सकते हैं, है ना। और मैराथन ही है, 15-16 लेक्चर है, आराम से उसमें सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, विधिवत पढ़ सकते हैं, A to Z पढ़ सकते हैं बच्चों, हर एक चीज़ है ना। तो चलिए हम ज़्यादा बात ना करते, सिर्फ आप शेयर कर देना, आप पे आपसे ही उम्मीद है और आप पर विश्वास करते हैं बच्चों। जिस तरह आप हमारे विश्वास करते हो, हम सारे क्लास लगाते हैं बच्चों आपके लिए, उसमें से ही आता है बच्चों। जैसे आप यूपी टेट का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, शायद ही एक आध दो प्रश्न उसमें से बाहर आया हो, लेकिन जो डिक्टो प्रश्न कराए थे बच्चों वही छपा था और इसमें भी वही छपेगा 100%। बच्चों पिछले बार भी यही छपा था, हमने कराया था, और इसमें जो प्रीवियस ईयर पेपर है बच्चों आ जाएंगे प्लेलिस्ट में, जहाँ पर यह जिस प्लेलिस्ट के फाइल में यह है लेक्चर आपका, उसमें देखेंगे आप नीचे प्रीवियस ईयर पेपर भी हमने कराया है। पिछली बार का जो सेकंड सेमेस्टर हुआ था, जो बच्चों का बैक था उनकी, तब तो देख सकते हैं, हार्ड आया था थोड़ा सा, लेकिन उसे देख लेंगे तो उसके अनुसार भी तैयारी कर सकते हैं। और उससे ज़्यादा बच्चों इस जितना करा देंगे उससे बाहर नहीं आया था, नहीं आएगा, है ना। चलिए ये देखिए हमने लिख दिया था, इसमें पूछा गया है निम्न सारणी में एक नगर की आयु वर्ग साक्षर स्त्रियों की संख्या दी गई है। इसमें बोला जा रहा है आपको इसको किस में प्रदर्शित करना बच्चों, इसको इसको आयत चित्र में प्रदर्शित करना है। ये पूरी जो साड़ी दी गई है ना, इसको आयत चित्र में प्रदर्शित करना बच्चों। तो आराम से आप कर सकते हैं, देखिएगा इसका आयत चित्र कैसे बनता है, बस सभी लोग को पता है, आराम से बना सकते हैं आप सभी लोग। और आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया होता है कि आप लोग इतना प्यार इतना स्नेह देते हैं बच्चों, क्योंकि इसी का तो एक भरोसा है मुझे, और कोई अपना नहीं है, बस आप लोग अपने हो, आप हमारी फैमिली हो बच्चों, बस जुड़े रहना लास्ट तक बच्चों। इसमें देखिए क्या बोला है, 0 कितने से कितने आयु तक, 10 से लेकर बच्चों 34, तो हम 40 मान सकते हैं। 0 से हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, यहाँ पर 5 लिखते हैं, यहाँ पर 5 लिखते हैं, यहाँ पर 10 लिखते हैं, यहाँ पर 15 लिखते हैं, यहाँ पर 20 लिखते हैं, और यहाँ पर 25 लिखते हैं, और यहाँ पर हम बच्चों 30 लिखते हैं, और यहाँ पर 35, और यहाँ पर 40 हम लिख देते हैं, यहाँ पर 40 लिख देते हैं, क्योंकि बच्चों हमको जाना है कहाँ तक, हमको जाना है बच्चों 34 साल के स्त्रियों तक, 34 साल तक स्त्रियों तक, 10 साल की स्त्री से लेकर बच्चों 34 साल के स्त्री तक जाना है। और प्लस बच्चों जो स्त्रियों की संख्या है, हम यहाँ पर 290 है, कहीं 800 है, कहीं 980 है, तो हम 100 से स्टार्ट करते हैं बच्चों, कहाँ से 100, 200 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर पहले 200 लिखते हैं, फिर यहाँ पर बच्चों 400 लिखते हैं, 400, 200 का अंतर, फिर यहाँ पर बच्चों 600 लिखते हैं, फिर बच्चों यहाँ पर 800 लिखते हैं, और लास्ट में हम यहाँ पर आपको 1100 करा देते हैं बच्चों, यहाँ पर 1000, ठीक है, स्त्रियों की संख्या हो गई। अब हमसे पहली बार दिया है 10 से 14 साल की जो स्त्रियाँ हैं, यह बच्चों हम यहाँ पर लिख देते हैं, यह संख्या को डिनोट कर रहा है इधर संख्या को, और इधर बच्चों स्त्रियों के एज को यानी कि आयु, आयु स्त्री के आयु को शो कर रहा है बच्चों यह वाला लाइन। तो इस तरह से बस अब बन गया हमारा, बोल रहा है क्या बनाना है हमको, हमको बनाना है बच्चों आयत वाला चित्र बनाना है, बन गया बच्चों। 10 से 14 साल की जो स्त्री है बच्चों वो 300 है, तो 300 मतलब कि 200 और 100 के बीच में आएंगी, तो कहाँ से 10 से 14 साल, आप इसमें देखिए 10 से 14 साल की, 10 से 14 साल बच्चों, 10 से 14 साल का मतलब हो गया कि यह 15 तक जाएगा बच्चों, यहाँ से उठेगा, देखिए यहाँ तक ऐसे आप लाइन बना दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे 300 है, तो यहाँ पर बच्चों आप यहाँ पर लेके चले आओ, यहाँ तक लेके चले आइए, यानी कि यहाँ पर लिख दीजिए बच्चों आप कितना, यह 300 तक है ना, 300 स्त्रियाँ हैं तो 300 लिख दीजिए, यहाँ पे 300 स्त्रियाँ बच्चों, यह 300 स्त्रियाँ होंगी। दोबारा बोल रहा है 15 से 19 साल तक बच्चों 980 स्त्रियाँ हैं, है ना, ईयर सबसे लंबा जाता है, ये हमारा यहाँ तक आ जाए, मान लीजिए यहाँ तक, एक 980 मतलब 20 ही तो कम है, तो हल्का सा कम होगा बच्चों यहाँ पर, यानी कि ये हमारा जो लाइन जाएगा बच्चों इस प्रकार से,
ऐसे जाएगा, आप इसे मिला सकते हैं बच्चों यहाँ से ऐसे ऐसे ही वर्ग बनाना है। यहाँ पे लिख लीजिए आप कितना 980 हो गया बच्चों, 980 हो गया। इसके बाद तीसरा जो है, तीसरा क्या बोल रहा है, 20 से 24 8 है, 20 से 24 यानी कि बच्चों यहाँ से ऐसे उठेगा, ये लाइन ऐसे उठेगा, 20 से 24 800 बच्चों, 800 मतलब कि यह वाली लाइन आप देख सकते हैं, यह वाली ऐसे आएगा, यहाँ पे 800 लिख लीजिए बच्चों, यहाँ पर 800 हो गया। इसके बाद क्या बोल रहा है, 25 से 29 कितने बच्चों, 580 है, 580 मतलब 600 से थोड़ा सा छोटा, 600 से थोड़ा सा कम होगा, तो मतलब यहाँ पर होगा, यहाँ पर 30 वाला ले जाइए लाइन, ऐसे बना लीजिए, यह होगा बच्चों, यह हमारा हो जाएगा 580 स्त्रियाँ जो हैं बच्चों वो 25 से 30 साल के एज में है, है ना, मतलब कि वही 25 से 29 साल, 30 से थोड़ा सा कम मतलब 29 तक है ना, इस तरह से मतलब 29 तक है, 30 के अंदर ही है। अब 30 से 34 साल की जो है 290 है, 290 के मतलब 200 से थोड़ा सा ऊपर बच जाएगा, ज़्यादा नहीं क्योंकि यह 300 है ना, एक मिनट बच्चों, यह 300 है ना, यह 300 है ना, तो 290 मतलब इससे थोड़ा सा नीचे, तो हम यहीं से ले लेते हैं, 290 है ना, तो यहाँ से यह वाली लाइन यह 290 की हो जाएगी, बस यही हमको बनाना था बच्चों, यह हमारा फाइनली आंसर आएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर दे दिया जाएगा इस पर, बस ऐसे ही चार्ट एक बनाने थे हमको, ड्रॉ कर लीजिए आप लोग फटाफट। एक और प्रश्न इसी पे लेते हैं, चार्ट पर ही ऐसे ही आते हैं प्रश्न, आराम से आप कर सकते हो, उसमें दो राय कोई नहीं है, चलिए बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट बच्चों, एक घंटे डेढ़ घंटे की जब तक क्लास चलेगी, आज हम सोचेंगे कि इसको खत्म कर दें, अन्यथा हो सकता है एक लेक्चर और आ जाए लास्ट में, बस एक लेक्चर और आएगा बच्चों, चार लेक्चर मतलब समझ रहे हो, चार लेक्चर में आपको पूरा का पूरा सेकंड सेमेस्टर पूरा खत्म कर दिया गया है ना मैथ का, आप देख सकते हो। यह बच्चों पवन सीरीज, हम यहाँ पे लिखना भूल गए, यह पवन सीरीज का है, राजन सीरीज का एक ही लेक्चर में, एक ही वीडियो में पूरा हमने दे दिया है ना, राजन सीरीज का, राजन सीरीज वाला अलग है, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट के इसी फाइल में मिल जाएगा जिसमें यह है बच्चों। एक प्रश्न और दिया है, दिए गए बारंबारता बंटन को आयत चित्रों में प्रदर्शित करें, तो माप दिया है, एक इस तरह माप लिखा है, और यहां पे लिखा है बारंबारता, बारंबारता बच्चों देखिएगा, यहां पे 0 से 10, यहां पे 2 हो गया बच्चों, और यहां पर 10 से 20, 10 से 20, 10 से 20 बच्चों 8, बारंबारता 8 है, 20 से 30 बच्चों, 20 से 30 के लिए बच्चों बारंबारता कितना है, 15 दिया है, या प्रश्न दिए हैं ऐसे। इसके बाद 30 से 40, 30 to 40 से कितना दिया है बच्चों, एक बार महादेव और बाकी बिहारी लाल का जय बोलते रहिए। निराशाजनक जितनी भी चीज़ें होती हैं ना क्लास में आया करिए तो सब कुछ भूल जाया करिए, वो सब सेपरेट, जब हमारे पास ना हो आप, जब फैमिली से ना जुड़े हों तब थोड़ा सा रोना गाना हो सकता है, लेकिन यहाँ पर साथ आराम से साथ है ना, अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है बताना, अब इतनी बड़ी फैमिली है हमारी, अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कुछ। 30 से 40 बच्चों, बस अपनी फैमिली बड़ा करना आपका फ़र्ज है, आप लोग शेयर करते रहना, बड़ा करते रहना, जो मिले बच्चों, जिस कॉम से मिले, जिस भी फील्ड का मिले बच्चा, सबको आप जोड़ते रहना, यही उम्मीद है आप लोगों से। अगर आप लोग कुछ सीखते हैं यहाँ पर बच्चों, अपना ब्यूज आप कम कर रहे हैं, अगर ब्यूज कम हो गया बच्चों तो क्लासेस नहीं आएंगे फिर, इतना याद रखना। आप लोग खुद अगर अपने जूनियर को भी जोड़ सकते हैं बच्चों, जूनियर को जोड़िए, और बाकी के क्लास जैसे बीएड के प्रशिक्षु मिल जाते हैं आपको, या फिर किसी भी स्ट्रीम के बच्चों मिल जाते हैं ना, क्योंकि क्लासेस तो सब कुछ होता है, जीके हो गया, मैथ हो गया, तो सबके लिए है बच्चों, चाहे जिस भी सेमेस्टर की, मतलब चाहे जिस भी स्ट्रीम की तैयारी करें, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, है ना। देखिएगा इसका पाई चार्ट, मतलब ये हमको क्या बनाना है, आयत वाला बनाना बच्चों, बस हो गया बच्चों। देखिएगा यह माप है या बारंबारता है, तो माप हम कैसे लिख लेते हैं, इस प्रकार से माप लिख लिया जाए, और बारंबारता बच्चों 60 तक गया है ना, और बारंबारता ऐसे लिख लिया जाए, मतलब ऐसे उचित होगा, इस प्रकार से बना लिया जाए पाई चार्ट, मतलब कि सॉरी वर्ग वाला, किसी तरह भी बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम यहाँ पे बारंबारता लिख लेते हैं, बारंबारता लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ बारंबारता बच्चों देखने 2, 8, 15, 20, 16 और 6 है, तो हम क्या कर लेते हैं 20 तक ले जाते हैं, 5 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 लिखते हैं, फिर यहाँ पे 10 लिखते हैं, फिर यहाँ पे बच्चों 10 कहाँ तक ले जाएँ, 30 तक ले जाएँ, चलिए चलिए बड़ा बड़ा लिख लेते हैं, और थोड़ा सा 5 हो गया, 5 के बाद बच्चों यहाँ पर 10, 10 के बाद बच्चों यहाँ पर 15, 15 के बाद यहाँ पर बच्चों 20, 20 के बाद बच्चों यहाँ पर 25, 25 तक लिख लेते हैं, क्योंकि 25 से ज़्यादा है ही नहीं, तो 25 तक सही है। और नीचे बच्चों 0 से 10 यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, 10, 60, 60 तक ले जाते हैं, 10, 10 के अंतराल कर लेते हैं, 10, 10 वाला सही रहेगा। 10 यहाँ पर माप है, इस तरह से आप माप लिख लेना, माप यहाँ बारंबारता, यहाँ माप, 10, 20, 30, 40, 50, 60,
60 तक ले लेते हैं ना। अब पहला वाला जो बच्चों 0 से 10 वाला है, 0 से 10 वाला माप है वो कहाँ तक गया बारंबारता, 2 तक गया बच्चों, कि छोटा होगा इस प्रकार से, छोटा होगा, इसको छोटा ऐसे बना लेना बच्चों, ये छोटा सा हो गया 2 तक है। फिर इसके बाद है दूसरा 8 तक गया बच्चों, 10 से 20, 10 से 20 जो गया है वो 8 तक गया है, मतलब कि बच्चों यहाँ तक यह वाला लाइन होगा 0 से 10 वाला, ऐसे बना लीजिएगा, इस प्रकार से बनाइएगा, यह होगा 0-10 से 20 बच्चों। इसके बाद 20 से 30 15 तक है, 20 से 30 15 बच्चों ये हवाई लाइन है, मतलब यहाँ तक आएगा ऐसे, इस पर चढ़ा लो ऐसे, 20 से 30 हो गया ये बच्चों, ये 20 से 30 हो गया बच्चों, हाँ दिल दुख जाता है ना तो मन नहीं करता कुछ, बच्चों यहाँ देखना 30 से 40, 30 से 40 मतलब कि बच्चों 20 तक गया है, या 20 तक देख लें, एक्यूरेट 20 है तो 20 तक हमको ले जाना है, बस ऐसे ले लेना आप लोग। यह देखिए बच्चों ये हो गया हमारा 20 से, तो 30 से 40 तक हो गया ना 20 तक। इसके बाद बच्चों 40 से 50, 40 से 50 16, यानी कि बच्चों इससे थोड़ा सा ऊपर, जो 15 है ना थोड़ा सा ऊपर, मतलब ये जो हमारा 15 है इससे थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, हमारा हो गया क्या 40 से 50 हो गया, बताना जरा समझ में आ रहा है ना, बस कुछ करना है ही नहीं इसमें, बस एक हमको 5 नंबर आराम से मिल जाएंगे बच्चों, 3 नंबर 2 नंबर जो भी आता है। इसके बाद 50 से 60 बच्चों 6 तक, मतलब 5 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, बस 5 से थोड़ा सा ऊपर, मतलब कि बच्चों यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग, इसको ऐसे देखेंगे तो थोड़ा सा ऊपर आएगा, यहाँ पर ले लेते हैं बस, यह वाला बस बन गया हमारा सीरीज, हो गया बच्चों। यहाँ पर आप लिखना चाहते हो लिख लीजिए, यहाँ पर 2 लिख लीजिए बच्चों, यहाँ पर 8 लिख लीजिए, यहाँ पर 15 लिख लीजिए, यहाँ पर बच्चों 20 लिख लीजिए, और यहाँ पर लिख लीजिए 16, यहाँ पर लिख लीजिए 6, बस हो गया, अब कुछ करना नहीं है, पूरा का पूरा नंबर उठेगा। अब टैली वाला एक आ गया है, टैली कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं सर्वांग समता की तरफ ना बच्चों। जितने प्रश्न हैं आप लोग के पास अगर होगा पवन सीरीज, तो आप लोग देखेंगे एक एक प्रश्न करवाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, हम सब करवा देंगे A to Z, है ना। बस आप लोग देखते रहना, लास्ट तक बने रहना, आपसे विनती है कि लास्ट तक बने रहिए जरूर बच्चों, सेशन जरूर देखा करें आप लोग पूरा, जितने भी यूपी टेट के हैं और जितने भी क्लासेस आते हैं दिन भर में सब फॉलो किया करें, उसका लाभ ही मिलेगा बच्चों, आपको नुकसान नहीं होने वाले हैं। देखिए दिया है निम्नलिखित आंकड़ों में टैली चिन्ह लगाकर संख्या की बारंबारता सारणी बनाइए बच्चों, वह नंबर कौन कौन से दिए हैं देखिएगा, इस प्रकार से 6 दिया है, 7 दिया है, 9, 14, फिर से 9, फिर उसके बाद बच्चों 15, 15 यानी 9 अगेन, फिर बच्चों फिर 12 दिया है, फिर 15 दिया है बच्चों, फिर 14 दिया है, 14 के बाद बच्चों 9 दिया है यानी कि 9 दिया बच्चों, फिर 12 दिया है, फिर 14 दिया है, फिर 15 दिया बच्चों, फिर 7, फिर 6 अगेन से 6 के बाद बच्चों 12 दिया है, फिर 14 दिया है, फिर 6 दिया है, फिर 9 दिया बच्चों, ये इस प्रकार से नंबर दिए हैं बच्चों। हमको क्या निकालना है, बारंबारता निकालना है, बारंबारता मतलब बच्चों जितना टैली होगा उस हिसाब से हमारा बारंबारता आता है बच्चों, देख लेते हैं बच्चों। क्रमांक हमारा 1 से लेकर देखिए 6, 7, 9, 12, 14 और 15, सबसे पहले हमको यह देखना है 6 कितनी बार आया है, कितनी संख्याएं हैं बच्चों, 6 एक है, 7 है, फिर 9 है, मतलब कितनी संख्याएं बच्चों, यहाँ पर 6 संख्याएं हैं जो कि बार बार रिपीट हुई हैं, तो यहाँ पर लिख लीजिए क्रमांक, यहाँ पर क्रमांक लिख लेंगे आप लोग, क्रमांक सॉल्व हो रहा है, सोल्यूशन है, इसको हमको टैली के रूप में फिट करना है, यह बोलेगा प्रश्न में, तो क्रमांक संख्या यहाँ पर लिख लीजिए, कौन सी संख्या आई हुई है, संख्या लिख लीजिए बच्चों, यहाँ पर टैली चिन्ह लिख लीजिए, टैली चिन्ह, टैली चिन्ह बच्चों, टैली चिन्ह हो जाएगा, टैली चिन्ह हो गया आपका, टैली चिन्ह हो गया, फिर यहाँ पर लिख लीजिए बारंबारता, मतलब कौन सा नंबर कितनी बार आया है, बारंबारता मतलब तो है रिपीट होना, बार मतलब बार बार रिपीट होना बच्चों, इस प्रकार का साड़ी आप बना लेंगे सभी लोग अपनी कॉपी पर, प्रैक्टिस करिए बच्चों, प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके सफलता मिलेगी, चाहे जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हो, प्रैक्टिस सबसे जरूरी है। चलिएगा पहला क्रमांक बच्चों 1, हम 6 को लेते हैं, सबसे छोटी संख्या 6 है तो 6 लिख दिया, अब 6 कितनी बार आया है, यहाँ पर देखिएगा एक बार यहाँ पर आया है, आगे देखिएगा बच्चों कितनी बार आया है, एक बार यहाँ बच्चों, मतलब 1, 2, 3 बार आया, तो इस बार 1, 2, 3 टैली संख्या हो गया बच्चों, तो यहाँ बारंबारता तीन हो गया है ना, क्रमांक है यह 6 हो गया। इसके बाद बच्चों दूसरा क्रमांक क्या आया, 7 देखिए कितनी बार आया, 1, 2 बार 7 आया है बच्चों, 2 बार 7 आया, तो 7 लिखिए यहाँ पर, 7 1, 2 तो यहाँ बारंबारता 2 हो गया, मतलब 2 बार रिपीट हुआ है 7। इसके बाद आगे देखिए 7 के बाद बच्चों 8 है इसमें, 9 है ना, 9 को देखना, 9 यानी कि तीसरा नंबर पे 9 कितनी बार आया बच्चों, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आया है, जब 5 बार आ गया तो मतलब 1, 2, 3, 4 बनाकर इसको एक बार ऐसे काट देंगे बच्चों, तो 5 लिख लेंगे यहाँ पर, 5 बार आया है। इसके बाद बच्चों आ जाते हैं चौथे नंबर पर, चौथा नंबर पे क्या है, 4 नंबर पर देखिएगा, अब इस सबको काउंट कर देंगे नंबर, देखना इसको काउंट करेंगे नंबर पता चल जाएगा कितना, कहीं गलत हुआ है कि नहीं, कहीं छूटा है कि नहीं,
चौथे नंबर पर बच्चों 9 के बाद उसके छोटा, उससे छोटा क्या है, 12 है। 9 के बाद देखना 12 ही दिख रहा है हमें, 9 के बाद क्या है बच्चों, 12 ही है ना, 12 देखना यहाँ 12 है ना, 12 कितनी बार आया, 1 2 2 2 2 2 3 बार आया, 12 तीन बार 12 आया है, 3 बार 12 1 2 3 मतलब 12 बार तक 3 हो गया। इस प्रकार से लिखते चलिए, जो होते हैं ये टैली चिन्ह है बच्चों। पाँचवें नंबर पर देखना बच्चों, पाँचवें नंबर 12 के बाद क्या है, 13 नहीं है 14 है, 14 बच्चों 1 2 14 3 14 और 4 14 यानी कि 4 बार आया बच्चों, 4 1 2 3 4 4 इसका राइट आंसर होगा ना यहाँ पर। इसके बाद जो छठे नंबर पर देखना, 15 है क्या, 14 के बाद 15 यही लास्ट है, इसके बाद कोई नंबर और नहीं बच्चों, 15 1 2 3 3 बार आया 15 बच्चों, तो छठे नंबर पर 15 हो जाएगा, 15 तीन बार आया है, 1 2 3 तो 3 लिख देंगे बच्चों, यही हमारा राइट आंसर है ना, यही हमारा 12 मार्क का टैली चिन्ह बन गया। अब काउंट कर लेते हैं एक बार, कहीं छूटा तो नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 संख्याएं हैं तो इसको जोड़ने पर 20 आने चाहिए, 20 से ज़्यादा लग रहा है वो तो, हाँ कैसे आ गया 20 संख्या, अच्छा नहीं इसको जोड़ने पर नहीं बच्चों, इसको जोड़ने पर 20 मतलब इसको जोड़ने पर 20 आना चाहिए, यह वाला 12 बार था जो ये जोड़ने पर 20 आना चाहिए ना, देखिए 3 2 5 5 10 10 3 13 13 13 4 17 3 20 बच्चों सही है हमारा, बिल्कुल परफेक्ट है बच्चों, ऐसे ही लिखना है हमें, यहाँ पे आपका दो एक नंबर मिल सकता है ना। चलिएगा बच्चों, सर्वांग समता क्या होता है बताना जरा, यह अगला प्रश्न है आपका, सर्वांग सम की विशेषताएं बताइए। सर्वांग समता की दो तीन विशेषताएं हम आपको बताते हैं, उसको आप नोट कर लेंगे है ना, सर्वांग समता के बहुत सारी विशेषताएं हम लिखवा देते हैं, आप लोग लिखते चलेंगे, हम आपको बता दें, आप बोल देते हैं, आप लिख लीजिए ना। सर्वांग समता की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, पहला लिखिएगा सभी लोग बच्चों, सर्वांग समता की विशेषताएं क्या होती हैं, दो सर्वांग सम कोणों की माप बराबर होती है, दो सर्वांग सम कोण की माप बराबर होती है, मतलब कि अगर सर्वांग समता की बात करेंगे बच्चों, दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज है इसमें दो सर्वांग सम कोण, मतलब अगर यह और यह बराबर हो जाता है बच्चों, यह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं, तो पहला नियम यह होता है, पहला बच्चों विशेषता यह है सर्वांग सम का कि दो कोण बराबर होते हैं। इसके बाद दूसरा बच्चों, दो सर्वांग सम रेखाखंडों की लंबाई समान होती है, दो सर्वांग सम रेखाखंडों की लंबाई समान होती है बच्चों, यह बोलें चाहे यह बोलें, यह बोलें यह बोलें, अगर बराबर हो गया तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है बच्चों, यस 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 से है ना। इसके बाद बच्चों बात करें अगला, दो मापन वृत्तों के अर्ध व्यास परिधि तथा क्षेत्रफल बराबर होते हैं, बिल्कुल सही बात है बच्चों, जैसे दो वृत्त हैं, दो वृत्त हैं, दो वृत्त बच्चों, अगर इसकी परिधि, इसका जो रेडियस है बच्चों अगर आर है, मान लेते हैं इसका रेडियस दो है, इसका रेडियस मान लेते हैं चार है बच्चों, इसका रेडियस दो होगा, अगर इसका एरिया जस्ट मान लेते हैं कितना आ गया, मान लीजिए इसका एरिया आ गया बच्चों 16, और इसका मतलब चार और दो, देखिए दो दूनी चार और यहाँ पर 16 है बच्चों, तो 8 दूनी 16, इसका एरिया 8 आना चाहिए बच्चों। इस तरह से सर्वांग समता दिखाते हैं बच्चों, मतलब कि एक रेशियो में रेडियस का देखें तभी रेशियो बराबर, अगर डायमीटर का देखें तभी रेशियो बराबर, और अगर एरिया का देखें तभी रेशियो बराबर, परिधि का देखें तभी रेशियो बराबर, एक ही रेशियो सब जगह फॉलो करें है ना, इस तरह की बातें हों तो दो समान वृत्तों में अर्धव्यास परिधि या क्षेत्रफल बराबर होते हैं है ना, ये बात कही गई। चौथा कहा गया है, दो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत कोण, संगत भुजाएं तथा क्षेत्रफल बराबर होते हैं, वही तो हमने बताया, चाहे उसका संगत कोण हो, चाहे संगत भुजा हो, या फिर क्षेत्रफल हो बच्चों, वह दोनों बराबर होते हैं, तीनों बराबर होते हैं किसी भी दो त्रिभुज के है ना। पांचवा नंबर पर लिखिएगा, दो सर्वांगसम आयतों की लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल बराबर होते हैं, कोई भी दो आयत अगर ले लें आप, कोई भी दो आयत ले लें, यह सर्वांगसमता के नियम त्रिभुज में भी लागू होगा, वृत्त में भी लागू होगा, आयत में भी लागू होगा बच्चों, वर्ग में भी लागू होगा। ये अगर आयत है बच्चों, आयत है, अगर आयत में भुजा यहाँ पर चार है, अगर यह भुजा आठ है, अगर इसका एरिया देखेंगे, मान लेते हैं एरिया बच्चों 16 आ रहा है, इसका एरिया मान लेते हैं बच्चों चार दुना आठ है, 16 दुना 32 आ रहा है, 32 आ रहा है, अगर इसकी परिधि बात करें बच्चों, मतलब परिमाप इसका मान लेते हैं चार, चार चौके 16 आ गया मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है 16 आ गया, तो इसका परिमाप बच्चों 32 आना चाहिए। इस प्रकार से मतलब कि बराबर का रिलेशन होना चाहिए, जैसे 1/2 का यहाँ पर बच्चों चार दुना आठ, 16 दुना 32, मतलब परिमाप में, एरिया में भुजाओं का अनुपात बच्चों बराबर होना चाहिए, दो आयत में अनुपात अगर बराबर है तो मतलब सर्वांगसम वहाँ पर सो हो जाएगा। इसके बाद बच्चों चाहे वर्ग हो, वर्ग में भी कोण बराबर होने चाहिए, भुजा भी और क्षेत्रफल भी बराबर होने चाहिए बच्चों, किस में, रेशियो में बराबर होने चाहिए, तब जाकर बच्चों क्या होता है हमारा सर्वांगसम दिखाता है। समझ में आ गया, सर्वांगसम त्रिभुज में भी लागू होगा, वृत्त में भी, आयत में भी, वर्ग में भी और रेखा खंड में भी बच्चों लागू होता है सर्वांगसम का, ठीक है ना। बस यह 6-7 इसके विशेषता है सर्वांगसमता के, अगर आप लिख लिए हो तो अच्छी बात है, आगे चलते हैं।
ज्यामिति के अनुसार त्रिभुज त्रिभुजों की सर्वांग समता के शर्तों को बताइए बच्चों। देखिए ज्यामिति के अनुसार हम तीन, हमने बताया है आपको ना, तीन त्रिभुज की सर्वांग समता के नियम हैं, बताते हैं बच्चों। देखिएगा कोई भी ज्यामिति का मतलब त्रिभुज बना ले पहले, उसके बाद हम समझाते हैं ना। देखिए हमने तीन बार बताया है आपको बच्चों, तीन बात। पहला बच्चों हमने क्या बताया था, पहला बताया था कोण भुजा कोण। अगर कोण भुजा कोण अगर बराबर है, कोण भुजा कोण का मतलब बच्चों एंगल भुजा, एंगल साइड एंगल, पहला तो यह सर्वांग समता के नियम है किसी भी त्रिभुज के। दूसरा है बच्चों, दूसरा है भुजा कोण भुजा, यह भी सर्वांग समता के नियम है बच्चों, यह भी सर्वांग समता के नियम, मतलब साइड भुजा का मतलब साइड एंगल साइड बच्चों, साइड एंगल साइड। और तीसरा हमने बताया था बच्चों, तीसरा बताया था समकोण, मतलब कर्ण, कई सारे होते हैं। अगर तीसरा का देखेंगे बच्चों भुजा, एक अभी और होता है बताते हैं, समकोण के लिए केवल फॉलो होता है भुजा, यानी कि बच्चों साइड, ये भी सर्वांग समता के बच्चों एक तरह से एग्जांपल में आ जाते हैं। अगर दो साइड बराबर है तो तीसरा बराबर होता है, अगर एक साइड एक एंगल बराबर है तो तीसरा साइड बराबर हो जाएगा, अगर एक एंगल एक साइड बराबर है तो तीसरा एंगल भी बराबर हो जाएगा, इस प्रकार के। चौथा है बच्चों लिख लेना, समकोण में समकोण कर्ण भुजा सर्वांग सम का नियम, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता का नियम, सर्वांग सम का नियम बच्चों, ये लिख लेंगे सर्वांग सम का नियम। अब देखना जरा बच्चों कोण भुजा कोण इसमें कैसे हम लोग पुष्टि करते हैं, कोण भुजा कोण मान लेते हैं कोई यहाँ पर बच्चों आपका त्रिभुज है, एक त्रिभुज है यहाँ पर, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में कोण भुजा कोण बोला है, एक और त्रिभुज हम बनाते हैं जो कि सर्वांग समता शो करे। अगर यह ए बी सी है और यह पी क्यू आर है बच्चों, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं दोनों सर्वांग सम है, लेकिन कैसे पुष्टि करें इसका, तो हम बता दें कोण भुजा कोण की बात करेगा बच्चों, तो अगर मान लेते हैं यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो, अगर यह वाला कोण इस कोण के बराबर है बच्चों, और एक यह भुजा अगर बराबर है बच्चों, यह वाली भुजा अगर बराबर है तो यह भुजा इसके अगर बराबर है बच्चों रेशियो में, अगर यह इसके बराबर है बच्चों, एक कोण एक भुजा बराबर है तो याद रखना यह वाली भुजा बच्चों ऑटोमेटिक क्या होगी, इसके बराबर हो जाएगा, या फिर बच्चों यह कोण इसके बराबर हो जाएगा, है ना, यह कोण इसके बराबर हो जाएगा, मतलब साफ है बच्चों अगर एक साइड एक एंगल बराबर है तो एक एंगल या फिर दूसरा साइड बराबर हो जाएगा, तो यह दोनों नियम लागू हो जाएगा, समझाया। इसी तरह अगर साइड किसी भी त्रिभुज का बच्चों आपको पता है किसी भी त्रिभुज में अगर तीनों साइडें बराबर हो जाती हैं तो तीनों एंगल भी बराबर हो जाते हैं, तीनों साइड अगर बराबर हो जाते हैं क्योंकि एंगल भी 60 60 60 के हो जाएंगे, जब तीनों साइड जब बराबर हो जाते हैं बच्चों उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज, यानी कि तीनों भुजा बराबर है किसी भी त्रिभुज में, चाहे वो बड़ा हो, चाहे जितना बड़ा हो बच्चों, चाहे जितना छोटा हो। अगर इसका भुजा 5 है मान लेते हैं बच्चों, इसका भुजा 5 है तो रेशियो तो बराबर हो गया, लेकिन एंगल अंदर का बराबर होगा बच्चों हमेशा और हमेशा, याद रखना रेशियो भी बराबर, 5 × 10 5 × 10 5 × 10 सर्वांग सम। और यहाँ बच्चों कोण देखेंगे तो कोण 60 60 60, ये भी बराबर बच्चों, चाहे भुजा चाहे 100 क्यों ना हो जाए लेकिन एंगल तो हमेशा 60 ही रहेगा, याद रखना हमेशा कोई भी समबाहु त्रिभुज हो अगर उसका साइड बढ़ता है बच्चों तो एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लेते हैं आप कह रहे हैं सर अगर यहाँ पे इसका साइड 100 है तो क्या इसका एंगल भी 60 60 होगा, बिल्कुल बच्चों 60 60 ही होगा एंगल हमेशा, चाहे साइड चाहे जितना बड़ा ही क्यों निकल लो, क्योंकि यह हमारा समबाहु त्रिभुज है ना, मतलब यह भी फॉलो हो गया बच्चों। और यह समकोण कर्ण भुजा बच्चों, मतलब कि समकोण एक है, यह समकोण है बच्चों और एक कर्ण है, अगर एक एंगल एक साइड मिल गया, इसमें भी देखना एक एंगल तो 90 का होगा ही बच्चों, और एक यह साइड इसके रेशियो में आ गया, मतलब अगर यह 10 है अगर यह 5 है तो देखिए 5 × 10 तो एक साइड एक एंगल बराबर हो गया, मतलब एक साइड एक एंगल बराबर बच्चों, इस तरह से भी हो सकता है, या फिर साइड साइड बराबर हो गया तीसरा साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, मतलब इसमें कौन सा नियम लागू होगा, समकोण कर्ण और एक भुजा, कोई एक भुजा बराबर हो जाएगा, इस तरह से यह लागू हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए बताइएगा समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पर बच्चों। संगत गुणात्मक तथा 3×7 इस तरह कुछ दिया है, निम्नांकित तथ्यों का संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। हाँ चलिए संगत गुणात्मक की तरफ आ जाते हैं, इसमें संगत गुणात्मक पूछा हुआ है। संगत गुणात्मक मतलब कोई दे देगा भाग, उसका संगत गुणात्मक निकालना होगा आपको, ऐसे समझ गया ना। ये चार नियम है बच्चों सर्वांग समता के, ये आपको पता होना चाहिए, अच्छे से सुने होंगे तो लिख लिए होंगे, मैं पता है, और ऐसे ही आते हैं प्रश्न, बोल देगा चारों नियम लिखिए,
तो चारों नियम लिखना होगा बच्चों, उसमें दो दो लाइन लिख देना बस। किसी भी त्रिभुज का अगर दो भुजा बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा। अब किसी भी त्रिभुज का एक साइड एक एंगल बराबर है तो तीसरा साइड बराबर हो जाएगा, फिर तीसरा एंगल भी बराबर हो जाएगा बच्चों। अगर एक समकोण है, कर्ण है और एक भुजा है, अगर समकोण कर्ण बराबर है तो तीसरी भुजा दोनों का बराबर हो जाएगा बच्चों ना, यह होता है बच्चों। एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको लगाइएंगे सभी लोग। प्रश्न है बच्चों, 21 भागे 3, यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं, 21 भागे का मतलब हम ऐसे बना देते हैं, 21 भागे 3 बराबर 7 दिया है, तो बोला इसका गुणात्मक तथ्य बताइए। गुणात्मक तथ्य जो इसका गुणात्मक तथ्य है, इसका गुणात्मक तथ्य प्रश्न दिया है, गुणात्मक तथ्य है, गुणात्मक तथ्य जो है बच्चों इसका गुणात्मक तथ्य जो है वो कितना है, 3 × 7 बराबर 21 है। तो इसी तरह निम्नांकित तथ्यों का गुणात्मक तथ्य बताइए। सेम इसी तरह जैसे इसका गुणात्मक तथ्य बच्चों यह आ गया, सेम इसी तरह आपको बताना है पहले का गुणात्मक तथ्य 56 भागे 8 बराबर 7 और 66 भागे 11 बराबर 6 बताना बच्चों, इसका बताना है। बता दो बच्चों, आसान तो है, देखना 21/3 था तो 7 आ गया, फिर 7 और 3 का गुणा किया तो फिर से 21 आ गया। इसी तरह इसमें करेंगे, इसका देखना 56/8 बराबर 7 है बच्चों, तो 8 × 7 भी तो 56 आएगा, 8 × 7 कर दीजिए, 8 इधर तो 56 आ गया बच्चों। इसका गुणात्मक तथ्य यह निकल के आ गया हमारे पास, यह राइट आंसर है इसका। इसमें देखना 66/11 का मतलब बच्चों 6 होता है, तो 11 × 66 का मतलब भी तो 11 × 6 का मतलब भी तो 66 आएगा, तो यह हो गया गुणात्मक, इसका गुणात्मक गुणात्मक हो गया बच्चों, गुणात्मक निष्कर्ष हो गया, गुणात्मक तथ्य हो गया इसका, समझ में आ गया। चलते हैं आगे बच्चों, y-5 बराबर 0 है और दूसरा है बच्चों 15 बराबर a+12। तो इसमें आपको जांच करने अपने उत्तर के, देखिए पहला प्रश्न दिया है बच्चों, उत्तर की जांच करने में पहला प्रश्न दिया है y-5 बराबर 0 है, तो इसमें उत्तर की जांच करिए 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे जांच करेंगे अभी बताते हैं। दूसरा बच्चों दिया है अपने उत्तर की जांच करने के लिए 15 बराबर a+12 बच्चों, दो दो कौड़ी के न्यूमेरिकल होते हैं, इसमें बस स्टेप पर ध्यान देना, हमें नंबर उठना चाहिए बच्चों, क्योंकि बैग बहुत ज़्यादा लगते हैं, हमें पता है अगर आप लोग सही से अच्छे ढंग से नहीं लिखते हैं बच्चों, कैसे लिखा जाता है कापियाँ, इसके लिए भी वीडियो हमने बना रखा है, आ जाएंगे एग्जाम अपडेट नाम का बच्चों प्लेलिस्ट बना होगा। अगर आप लोग को आप लोग बोले अपनी भारी संख्या में, आप अपनी संख्या बल दिखाएं, बोलेंगे सर एक वीडियो ऐसी आनी चाहिए जिसमें हमें बताया जाए कि कैसे कापियाँ लिखी जाती हैं DLED में, तो इस पर एक फिर से हमने वीडियो बना देंगे बच्चों, जो कि आप एक वीडियो हमने बना रखा है, आप पा सकते हैं बच्चों आकर एग्जाम अपडेट में बच्चों, वहाँ पर देख भी सकते हैं कि कापियाँ कैसे चेक होती हैं और किस प्रकार से नंबर दिया जाता है बच्चों। वहाँ पर यह भी देख सकते हैं आप कि कापियों को मूल्यांकन करने का जरिया नज़रिया कैसा होता है टीचर्स का बच्चों, है ना, देख सकते हैं बच्चों। बस अपनी संख्या बल बढ़ा लो बच्चों, हर एक सब्जेक्ट जादू बच्चों, जादू से आपके दिमाग में घुसा देंगे, बस आप साथ दे दो बच्चों, चाहे यूपी टेट हो बच्चों, चाहे सीटेट हो, चाहे सुपर टेट हो बच्चों, चाहे अदर कोई एग्जाम हो स्टेट लेवल पर बच्चों, हर का बिल्कुल ऐसा दाह संस्कार करेंगे बच्चों ना, आपके दिमाग में भर जाएगा, है ना, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, इतना याद रखना। बस इस वीडियो को आप मुझसे वादा करो कम से कम 2 से 3 बार 4 बार 5 बार जब तक एग्जाम नहीं होता बच्चों, तब तक रिवीजन करना, याद रखना बच्चों, जान लगा दो। जितने वीडियो लेक्चर हैं DLED मैथ के बच्चों, सेकंड सेमेस्टर के और फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों, ऐसी बात नहीं बच्चों, अगर आप सेकंड सेमेस्टर पढ़ रहे हो तो फोर्थ सेमेस्टर भी साथ पढ़ो, क्योंकि हो सकता है दोनों साथ ही में एग्जाम हो जाएं, तो है ना, तो दोनों पढ़ते रहिए साथ में बच्चों। मैथ का बहुत ही बच्चों का बैक लगता है बच्चों, तो इस बार ऐसा जादू किए हैं हम मैथ में बच्चों, फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम, फोर्थ सेमेस्टर का DLED का पूरा मैथ हमने दे रखा है, प्लेलिस्ट में आएंगे ना तो 15 लेक्चर है मैराथन बच्चों, पूरा मैराथन है, विधिवत पढ़ाया गया बच्चों, देख लेना। और इसमें अगर सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो राजन सीरीज पूरा का पूरा विधिवत दे दिया गया बच्चों, ये तीसरा लेक्चर है पवन का, तो इसको भी देख सकते हैं, थोड़ी सी टाइम की पाबंदी होती है बच्चों, इस वजह से एक लेक्चर में नहीं खत्म हो पाता है, हमने फिर से लेक्चर लगा लेंगे, घबराना मत, बस चलते रहना। y-5 = 0 है बच्चों, तो y बराबर देखना यहाँ पर 5 आएगा। अब यही y की वैल्यू उठाकर अगर आप इस समीकरण में रख देंगे तो समीकरण संतुष्ट अगर हो जाता है तो मतलब सही, y की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू से 5 रख दीजिए, 5-5 बच्चों 0 आ जाना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बच्चों आ गया, बस प्रूफ हो गया। यहाँ पर देखना 15 मतलब 15 - 12 कर देंगे बच्चों तो a की वैल्यू आ जाएगा, a की वैल्यू कितना आ गया बच्चों 3 आ गया, इसको उठाकर बच्चों समीकरण इसमें रख दीजिए, तो 15 इधर है ही, इधर रख देंगे 3 + 12 बच्चों, तो 15 बराबर 15 आ गया, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, राइट हैंड साइड। चलिए बच्चों बस ऐसे ही करना है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, आप हिंदी में लिख सकते हैं उसको और कुछ नहीं। चलिएगा अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। हाँ अगला प्रश्न अब थोड़ा सा है बच्चों, उसको अच्छे ढंग से करना है, ध्यान से करते चलना बच्चों। अगर वीडियो लेक्चर कट जाता है
है ना, तो घबराना मत, एक घंटे का इसका भी रखते हैं, मैक्सिमम एक क्लास और आएगा और आपका फिनिश हो जाएगा पूरा का पूरा। बच्चों थोड़ी सी टाइम की पाबंदी होती है बच्चों ना, बहुत सारे क्लासेस लगाने हो जाते हैं, अकेले सब कुछ करना पड़ जाता है ना, तो थोड़े से देखने पड़ जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा बच्चों, 2x-3 = 5, 2x-3 / 5 बराबर 7 बच्चों, एक यह है और दूसरा यह पहला है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। दूसरा देखना बच्चों, दूसरा निकालना है 5y / 3 दिया है बच्चों, देख लेते हैं एक बार बच्चों, प्लस दिया है, प्लस में 1, प्लस में 1 बराबर बच्चों 6 है, इसमें भी y की वैल्यू बताइए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या बच्चों, इन दोनों को वैल्यू निकालिएगा फटाफट, तो फटाफट निकालिएगा बच्चों। हाँ अगला प्रश्न देखना बच्चों, हम तो अगले पे चलते हैं, अगले पे चलते हैं बच्चों, प्रूफ भी करना है इसमें, इसमें वैल्यू लाकर प्रूफ भी करना है, इसको सेटिस्फाई भी कराना है, अपने उत्तर की जांच भी करनी है इसमें, याद रखना। अगला प्रश्न देखना बच्चों, पहला है इसमें 3xy² into 2x-3xy प्लस में 7y, इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें सरल करना है, इसको सरल करना है बच्चे। दूसरा देखना, 2x² into x-y + 2 बच्चों, इसको भी सरल करना है, मतलब फिर इससे गुणा कर देना है, जो फाइनली लास्ट हमारा गुणा करने पे आएगा वही राइट आंसर होगा बच्चों। यहाँ पे देखना, चलिए सॉल्व कर रहे होंगे आप लोग, हमें अच्छा लगेगा बच्चों, आप लोग सॉल्व करते रहना। चलिएगा देखिएगा बच्चों, इसमें 2x-3, यहाँ पे 2x-3 बराबर बच्चों इधर जाएगा तो 5 × 7 = 35 होगा, 5 × 7 = 35 होगा, यहाँ पर क्या है 2x, 2x बराबर 35 और 3 बच्चों 38 हो गया, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, डिवाइड करा देंगे तो 19 आ गया। अब x की वैल्यू 19 आ गई तो उत्तर की जांच कर लीजिए अपने, उत्तर की जांच करने के लिए भी बोला है इसमें, उत्तर की जांच कर लीजिए, x की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दीजिए, तो 2×19-3/5 देखिए 7 आ रहा है क्या, 19×38, 38 - 3/5 बच्चों 5, यहाँ पर 35, 35/5 यानी कि 5 × 7 = 35 बच्चों 7 आ गया, मतलब कि हमारे उत्तर का जांच हो गया, तो लिख देंगे दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष बच्चों, ये आपका बराबर आ गया। इसी तरह इसको भी देखिएगा, 5y/3 + 1 = 6 तो 5y/3 = बच्चों 6 - 1 5 आ गया, तो 5 × 3 = 15 ये 3 इधर जाएगा तो 5y = 15 तो y बराबर बच्चों कितना आ गया 3 आ गया, जब y बराबर 3 आ गया तो उत्तर की जांच करेंगे तो कितना आ जाएगा देख लीजिए, 3 है 3 यहाँ पर रखेंगे तो 5 × 3 = 15, 15/3 + 1 बच्चों 3 × 5 = 15 और 5 × 6 = 6 आ गया, तो हो गया दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, बायां बराबर दायां बच्चों, इस तरह से लिखना है, उत्तर की जांच भी करते रहना है। चलिएगा उन दोनों प्रश्नों को देख लेते हैं, उड़ा देते हैं, चलिएगा करते रहिए आप लोग, करते रहिए कोई दिक्कत नहीं बच्चों। यहाँ देखिए 3xy² इंटू करना है 2x-3xy - 3xy प्लस में 7y से इंटू कर लीजिए, 3xy² का जब 2x में इंटू करेंगे तो 2 × 3 = 6 होगा, 6 और x है तो x का x स्क्वायर और y है इंटू y तो y का स्क्वायर बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पर 3xy बच्चों, यहाँ पर 3xy² है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 3 × 3 = 9 x इंटू x क्या हो जाएगा x स्क्वायर, y स्क्वायर का y से गुणा करेंगे तो बच्चों y क्यूब हो जाएगा ना, पता ना जरा देखते रहना ना, जो भी चीज़ें गलत लगें बता देना बच्चों, समझ में नहीं आए तो बता देना, हम ऐसा पढ़ाएंगे बच्चों ना आपको कोई सवाल या फिर जवाब करने का मौका ही नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें दिमाग में घुसती चली जाएंगी। देखना बच्चों सिंपल सा, इसको उठाना है, यहाँ प्लस है तो प्लस हो गया, 7y का गुणा कर दीजिए 7 × 3 = 21 वाई का इससे मल्टीप्लाई, यक्स तो है यक्स हो जाएगा और वाई का वाई स्क्वायर से तो वाई क्यूब बच्चों, यही आपका राइट आंसर है। इस वाले का देखना दूसरे का देखना, 2x² है इंटू वाई है, यक्स माइनस वाई प्लस में 2 है बच्चों, इसको देखना बस मल्टीप्लाई कर देना, इसका उठाना इसमें फिर इसमें कर दो, हो गया। तो यहाँ पर 2x³ × y बच्चों, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, वाई का फिर इसमें करेंगे तो 2x² × y² बच्चों, फिर 2 का 2 में कर लेंगे बच्चों, 2×2 = 4 x² y बच्चों, ये आपका राइट आंसर है। इस तरह से करते हैं, ये गुणनखंड बच्चों ये यूपी टेट में भी आता है, इस साल नहीं पूछा गया था भाई, है ना, लेकिन आता है बच्चों, है ना। चलिएगा अगले से प्रश्न पे चलते हैं, इसमें प्रसार करना है बच्चों, इस बार तोड़ना है हमें, ये तो गुणा करना था अब इस बार तोड़ना है। कोई मुश्किल घड़ी आए तो समझ जाना यार, और समझ भी जाना बच्चों, कोई मुश्किल घड़ी आती है ना तो सिर्फ वहाँ पे यह समझना है हमें
कि प्रभु को कुछ और मेरे लिए विचार किया है, प्रभु ने कुछ और सोच रखा है मुझे। जो आप चाहो अगर न मिले ना, तो समझ लेना आप प्रभु की नज़र में हो, है ना। प्रभु आपको कहीं और ले जाना चाहता है, जहाँ पे आप जाना चाहते हैं वहाँ पे नहीं। अभी जिससे मिलना चाहते हैं, जिसको अपना बनाना चाहते हैं, उसके साथ कुछ भी नहीं होने वाला बच्चों आपका। आपके लिए प्रभु कुछ और ही सोच के रखा हुआ है। थोड़ा सा इस भी चीज़ को सोचना कि आप पर प्रभु ने नज़र बना के रखा हुआ है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो इतना समझ लेना कि आप है ना उस काबिल हो और आप प्रभु की नज़र में हो। आप जो चाहोगे वह न मिले, लेकिन प्रभु उससे बहुत अच्छा देगा आपको, इतना विश्वास रख लेना। और ये चीज़ें दिमाग में भूल लेना बच्चों, क्योंकि मोटिवेशन जो होता है ना बच्चों, हर जगह से हमें वो चीज़ ग्रैप करना है अपने आप से, अपने आप को वहाँ पे ले जाना है हमको जो पॉजिटिव विचार थिंकिंग रखते हो। हमें वहाँ पे नहीं ले जाना है जो निराशाजनक आश्चर्यजनक मतलब निराशाजनक परिणाम की तरफ हमको खींचे, नहीं, पॉजिटिव की तरफ सोचो बच्चों, अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। अगर आपका बैक लगा है तो उसके पीछे भी प्रभु का कुछ, प्रभु को सोच रखे होंगे आपके लिए बच्चों, घबराना नहीं है। पहला देखना 2x + 3y, 2x + 3y + 4z का होल स्क्वायर बच्चों, इसको सॉल्व कर लेना, फटाफट सॉल्व करना, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। इसके लिए फार्मूला बता देते हैं बच्चों हम आपको, जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है बच्चों, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर बच्चों, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2a इंटू b प्लस 2b इंटू c प्लस 2c इंटू a बच्चों, इसी पर लगेगा, लगाते रहना फटाफट। दूसरा देखना बच्चों, x है ना, x माइनस टू आई प्लस में 3z का होल स्क्वायर बच्चों, इसको भी सॉल्व करना, दोनों सॉल्व करना, देखना। इसमें बच्चों a है हमारा, यह है b, यह है c, बस इसी जगह पुट कर दो, a b c की जगह, या फिर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का मामला पता होना चाहिए आपको, जो लिखा है याद कर लो इसको बच्चों। a का स्क्वायर है, यहाँ तक ना यहाँ पे प्लस है बच्चों ना, यहाँ पे माइनस आया गया, अगर बीच में माइनस आ गया तो आप इसको पता है कैसे देख सकते हो, इसके साथ कैसे ट्रीट कर सकते हो बच्चों, x यहाँ पे प्लस लगा लेना, यहाँ पे जो माइनस टू आई इसको माइनस टू आई ऐसे कर लेना, प्लस में 3z होल स्क्वायर कर लेना बच्चों, वही परिणाम फिर से हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बस माइनस टू को साथ लेके चलना है, माइनस टू आई को साथ लेके चलना है ना, चलेगा। देखिए 2x है बच्चों, तो 2x का स्क्वायर प्लस में 3y का स्क्वायर प्लस में 4z का स्क्वायर प्लस में बच्चों 2a इंटू बी मतलब 2x / 3y, 2x / 3y प्लस में 2bc यानी कि 2 × 3y इंटू 4z, 2 × 3y इंटू 4z बच्चों, इंटू 4z प्लस में 2 × 4z यानी कि c × a करना है तो 4z × 2x बच्चों, इंटू 2x कर लो, सबको सॉल्व कर लो, यही आंसर आ जाएगा। देखें 2x का स्क्वायर का मतलब 4x², 3y का स्क्वायर मतलब 3×3 = 9y², 4z का स्क्वायर मतलब 4×16z² प्लस 2×2 = 12x × y बच्चों, प्लस 2×3 = 6, 6×6 = 24 बच्चों, 24x, y और z, x नहीं है इसमें, y और z है, तो y और z हो गया, प्लस में 2×8, 8×2 = 16 बच्चों, 16z x, यही आपका राइट आंसर है बच्चों। आप देख सकते हो जो आपके सामने आया है गुणा करने पर, यही आपका राइट आंसर होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं, इरेज कर दें, चलिएगा। वैसे तो आपके पास पर्याप्त समय होता है ना, आप पॉज करके वीडियो लिख सकते हैं बच्चों। जो बच्चे लाइव नहीं देख पाते हैं उनसे रिक्वेस्ट है बच्चों, आप बाद में भी आया करें तो शेयर जरूर किया करें। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होती है, वो भी आपको अगर प्यार हो चैनल से बच्चों, आपके परिवार से, तो ही आप शेयर किया करें। अन्यथा अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप बता भी सकते हैं क्यों अच्छा नहीं लग रहा, कि क्या चीज़ें सुधार करनी है हमें, वो जरूर बता सकते हैं आप, ना। चलिए x प्लस बच्चों माइनस का 2y प्लस में 3z का स्क्वायर करना बच्चों, देखना। तो x का स्क्वायर बच्चों प्लस में माइनस 2y का स्क्वायर प्लस में 3z का स्क्वायर, है ना, प्लस में 2 × -2y × 3z बच्चों, 3z प्लस में 2 × −2y − 2y × 3z बच्चों, 3z फिर प्लस में 2 × 3z × x बच्चों, बस कर लो, आ गया आंसर। x का स्क्वायर यहाँ पर बच्चों माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 2×2 = 4y² प्लस में 3 का स्क्वायर बच्चों 9 और z² = z² प्लस में यहाँ बच्चों 2 माइनस यहाँ पर स्क्वायर नहीं बच्चों, तो माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस में, यहाँ पे माइनस में आएगा, 2×2 = 12, 12y × z क्या आएगा बच्चों, y × z
वाई इंटू जेड बच्चों, गलत हुआ है, पता है क्या गलत हुआ है बच्चों, यहाँ पर यक्स होना चाहिए था ना, यहाँ पर यक्स होगा क्योंकि पहले इसके साथ गुणा करेंगे फिर इसके साथ फिर इसका इसके साथ ना, तो यहाँ पर कितना होगा बच्चों, यक्स वाई दो दूनी चार, यहाँ पर गलत हो गया, दो दूनी चार माइनस का चार यक्स वाई बच्चों ये आएगा, फिर यहाँ पर फिर से माइनस बच्चों माइनस 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 करेगा तो माइनस टू आई इंटू थ्री जेड किए हैं तो माइनस का दो दूनी चार, चार तीन बारह, माइनस का बारह वाई जेड बच्चों वाई जेड, यहाँ पर प्लस दो तीन छः छः, यहाँ पर माइनस है नहीं तो जेड एक्स बच्चों, यही आपका राइट आंसर है ना, यह जो आया है आपका राइट आंसर है, आप इसे एक बार दो बार लगाएंगे चलिएगा अगले प्रश्न पे, सोल्यूशन करना है बस आप लोग को, आराम से सॉल्व करते रहिए, चिड़िया चिड़िया घोंसला छोड़ेगी बच्चों तभी तो बारिश होगा, जैसे एक बाज होता है एक बाज चील को जानते हैं, चील चील जब बारिश होती है बच्चों तो वो हमेशा चैलेंज करता है बादल को, रुकता नहीं है बादल को, सीधे चैलेंज करता है, उड़ता है, लेकिन सारी चिड़ियाँ क्या होती हैं घोंसले में चली जाती हैं, लेकिन हमको क्या करना है, हमको परिश्रम करना है बच्चों, परिश्रम से भागना नहीं है, परिश्रम करते रहना है। चलिए देखिएगा, थ्री एक्स बटे चार प्लस में एक्स बटे छः बराबर में बाईस, इसको सॉल्व करिए फटाफट सॉल्व करिए यारों। चलिए अगला देखना, इसको भी सॉल्व करना फटाफट, यक्स माइनस तीन बट्टे के पाँच प्लस में यक्स माइनस चार बट्टे के सात बराबर में छः माइनस टू यक्स माइनस वन बट्टे के बच्चों पैंतीस, दोनों सॉल्व करना बट्टे के पैंतीस, इसके बट्टे के पैंतीस दोनों सॉल्व करना बच्चों, देखना पहले इसको देखना, थ्री एक्स बटे चार एक्स बटे छः बराबर बाईस बच्चों, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालना है तो आपको चार और छः का एलसीएम पता होना चाहिए बच्चों, चार और छः का एलसीएम बच्चों देखेंगे, दो दूनी चार तीन बारह बच्चों, बारह हो जाएगा, बारह होगा ना, अब चार तीन बारह बच्चों तीन त्रिका नौ एक्स प्लस में छः दूनी बारह बच्चों दो दूना दो एक्स, मतलब दो एकम दो एक्स बराबर बाईस, ये बाईस है 22 है बच्चों, तो बारह गुणा बाईस में कर लेंगे, नौ और दो समान है बच्चों जुड़ जाएंगे, नौ दो ग्यारह एक्स, ग्यारह एक्स बराबर बाईस गुणे बारह बच्चों, अब आपको यहाँ पे गुणा नहीं करने लग जाना है क्योंकि यहाँ पे देखने कट रहा है, ग्यारह एकम ग्यारह दूनी बाईस बच्चों, बारह दूना चौबीस, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गया बच्चों, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना बच्चों, देखना एक्स माइनस तीन एक्स माइनस चार बटे सात और छः बच्चों, अगर यहाँ पर ऑप्शन वाला होता तो हम ऑप्शन रख कर चेक कर लेते एक दो है ना, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो सॉल्व करना ही पड़ेगा बच्चों, इस पूरे को हम एक तरफ लेके चले आते हैं, एक्स माइनस तीन बटे पाँच प्लस में एक्स माइनस चार बटे सात, या माइनस में है ना पूरा तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, दो एक्स माइनस में वन बटे पैंतीस बराबर छः बच्चों, देखना पैंतीस ही हम इसका एलसीएम होगा, इसका एलसीएम क्या होगा 35 होगा, देखना पाँच सत्ते पैंतीस, सात का गुणा इसमें कर लीजिए, सात का गुणा जब इसमें करेंगे बच्चों तो इस प्रकार से स्टेप आप लिखना नहीं भूलेंगे, स्टेप लिखना जरूरी है क्योंकि स्टेप मार्किंग होगी, आप किसी एग्जाम में बट वन डे एग्जाम में नहीं बैठे हैं बच्चों आप है ना, आप एक किसी क्षेत्र का एक क्षेत्र विशेष का एग्जाम दे रहे हैं डीएलएड का, डीएलएड ऐसी संस्था है बच्चों स्टेप मार्किंग बहुत अच्छे से देखती है ना, चलिए सात पच्चे पैंतीस तो पाँच एक्स माइनस चार प्लस में पैंतीस से एक बार में गया बच्चों तो दो एक्स माइनस वन बच्चों, इसको सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा, देखिए सात एक्स का सात एक्स सात एक इक्कीस और पाँच एक्स प्लस में पाँच एक्स बच्चों पाँच चौके बीस और एक्स का इसमें करेंगे बच्चों तो दो एक्स माइनस में वन बट्टे के पैंतीस, पैंतीस का गुणा उसमें करेंगे पैंतीस गुणे छः हो जाएगा, पैंतीस दुना सत्तर होता है और पैंतीस का तीन बार सत्तर करना है हमें, पैंतीस दुना सत्तर यानी कि सत्तर में तीन का गुणा कर लीजिए है ना, सत्तर में तीन का गुणा करेंगे बच्चों सत्तर में तीन तीन सत्तर इक्कीस दो सौ दस हो जाएगा, छप्पन छत्तीस को जीरो छत्तीस अठारह दो अठारह और तीन बच्चों छप्पन छत्तीस अठारह तीन इक्कीस हो गया, देखिए सात एक्स पाँच एक्स दो एक्स सात दो नौ एक्स नौ और पाँच चौदह एक्स, यहाँ पे माइनस इक्कीस बच्चों यहाँ पे माइनस बीस यहाँ पे माइनस एक है, माइनस बीस और माइनस एक मिलकर माइनस इक्कीस और माइनस इक्कीस मिलकर बच्चों माइनस बयालीस, माइनस बयालीस उधर जाएगा बच्चों प्लस बयालीस हो जाएगा, दो सौ दस में प्लस बयालीस ऐड कर देंगे तो बयालीस कितना हो जाएगा चालीस दस पचास बच्चों दो सौ बावन हो जाएगा, दो सौ बावन हो जाएगा, अब चौदह एक्स से बच्चों आराम से काट सकते हैं, काट लीजिए कितनी बार में कट रहा है दो सौ बावन बटे चौदह कर लीजिए आंसर देखिए कितना आ रहा है दो सौ बावन बटे चौदह बच्चों, तो किससे कट रहा है पाँच दो सात बच्चों दो से काट लीजिए पहले सात दो सत्तर चौदह दो सौ बावन बच्चों दो एकम दो दूनी चार दो सौ दो दूनी चार दो छक्का बारह बच्चों सात से कट जाएगा बिल्कुल कट रहा है सात से सात सात एकम सात सात उठे छप्पन बच्चों सात एकम सात और सात उठे छप्पन बच्चों मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया बच्चों अट्ठारह आ गया यह दोनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे चौबीस और अट्ठारह बच्चों चलिएगा अगला प्रश्न देखना बच्चों अगला प्रश्न देखना
चलिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। धांसू धांसू प्रश्न है बच्चों, आराम से करते हैं मस्ती के साथ। आनंद बहुत जरूरी है लाइफ में बच्चों, जितना भी दुख हो जिसके लिए भी दुखी हो, लेकिन एक क्षण ऐसा निकालना बच्चों जिसमें आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। पता बच्चों, जो आपके साथ गलत करेंगे ना, या फिर जब आपके साथ गलत होता है, तो इतना समझ लेना खुदा मेहरबान हुआ है, खुदा मेहरबान हुआ है बच्चों, क्योंकि खुदा सबको दुखी नहीं करता है, अपने भक्तों को ही दुखी करता है बच्चों, याद रखना। और उनके भक्त के साथ जो बुरा करेगा बच्चों ना, उसका बुरा सुनिश्चित है, याद रखना बच्चों। सच्चे दिल और सच्चे बादशाह, सच्चे इंसान की हमेशा जीत होती है बच्चों, आज नहीं तो कल, याद रखना। आपके आपको भी खुशियाँ मिलेंगी, है ना। 15 इसको सॉल्व करना, 15y-4 माइनस 2y-9 प्लस में 5y+6 बराबर 0। इसको सॉल्व करना फटाफट, दोनों पक्ष बराबर लाना है बच्चों आपको, सॉल्व करना है उसमें, y की वैल्यू बतानी है हमको, मतलब कि एक तरह से चेक भी करना है उसमें, जांच भी करना है उत्तर की कि दोनों पक्ष बराबर आ गया। अगला देखना बच्चों, a प्लस b बराबर 12 है और a-b बराबर 2 है, तो हमको बताना है, ये हमने करा भी दिया है, a²-b² की वैल्यू बता फटाफट बताइएगा बच्चों। वैसे यह हमने प्रश्न स्टार्टिंग में करा लिया, इसको स्किप करते हैं ना, यह प्रश्न हमने स्टार्टिंग में करा लिया था। हाँ चलिएगा, चलिए करिएगा उसे, दोनों प्रश्न करिए फटाफट, तो हम स्याही डाल लेते हैं बच्चों। करते रहिए भैया आप, करिए करिए, दोनों सभी लोग सॉल्व करें बच्चों। कम से कम लेक्चर जब तक चला करें बच्चों, आप लोग लास्ट तक बना रहा करें। देखिए आज आपका डीएलएड का जो सेकंड सेमेस्टर मैथ है बच्चों, वो 3/4, 1/4 भाग और बचा है बस, कल आधे घंटे का क्लास चलेगा, ख़त्म हो जाएगा आधे घंटे का। एक एक घंटे इसमें से दे रहे हैं बच्चों, जिससे कि आप उसको पार्ट वाइज में रिवीजन कर सकें, अन्यथा बहुत बड़ा हो जाएगा तो बच्चे बोर हो जाएंगे, देखते देखते कहीं कितना बड़ा देखें, है ना। इस वजह से हमने पार्ट वाइज में बांट दिया है। देखिएगा बच्चों, पहले इसको सॉल्व करते हैं ना। 15y-4 है बच्चों, गुणा कर लीजिए, यहाँ पे वाई, यहाँ पे वाई, सब जगह वाई है। 15y माइनस में 15 × 4 60 माइनस 2y माइनस माइनस प्लस, दोनों में 18 बच्चों, प्लस में 5y प्लस में 5y प्लस में 30 बराबर 0 आ गया। 15y माइनस 2y प्लस में 5y, तो जो 15 × 5 = 20 में से 2 जाएगा तो 18y, और यहाँ पे माइनस 60 है बच्चों, यहाँ पे प्लस 18, यहाँ पे प्लस 30 है, 30 और 10 = 40, 40 + 8 = 48 बच्चों, 48 माइनस 60 है तो माइनस 60 में से 48 चला जाएगा तो माइनस 12 बचेगा। इस माइनस 12 को बच्चों बराबर 0, 18y बराबर अगर आप देखेंगे तो माइनस का प्लस 12 हो गया, 6 × 3 = 18, 6 × 2 = 12, यानी वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 आ गया, 2/3 आ गया बच्चों। अब इसकी पुष्टि करनी है तो आप काम करेंगे, आपके लिए हम छोड़ रहे हैं बच्चों, इस y की वैल्यू उठाकर आप इसमें रखेंगे, इस पूरे सीरीज में y की जगह 2/3 रखेंगे, वो बराबर अगर 0 आ जाता है तो आप लिखेंगे दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। अब इसको सॉल्व करिए बच्चों, a+b = 12 है, a-b = 2 है, तो आपको पता होगा a²-b² की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये हमारा सरसमीका होता है a+b × a-b। ए प्लस बी की वैल्यू 12 है तो 12 × 2 कर लीजिए, 24 आपका राइट आंसर होगा ना। चलेगा बच्चों, एक और प्रश्न लगाइए फटाफट। x-2 x-1/x बराबर 3/2 है और x²+1/x² की वैल्यू पूछ रहा है बच्चों। इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला आता है, जब भी ऐसा प्रश्न हो तो यक्स प्लस आपको सीधे क्या करना होगा, 3/2 का² करना होगा बच्चों। क्या करना होगा, 3/2 का² करना होगा, उसमें प्लस 2 जोड़ देना होगा। डायरेक्ट प्रश्न होता है बच्चों इसमें, इसमें क्या करना है, जो मान लेते हैं यहाँ पर a है तो a² + 2, अगर यहाँ पे माइनस है प्लस वाला पूछ रहा है तो a² + 2, अगर यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस वाला पूछ रहा है तो a²-2, यहाँ पे यही करना होता है, सिंपल सा कुछ नहीं करना होता, बस यह ध्यान देना यहाँ पे x x है ना। तो इसको हम कैसे विस्तार से करते हैं, यहाँ पर क्या वैल्यू आनी चाहिए बच्चों, वैसे तो यहाँ पर जो आएगा बच्चों 3/2 का² + 2 यही आएगा, यानी इसका राइट आंसर 3 × 3 = 9, 9/4 + 2 बच्चों, 4 × 2 = 8, 8 × 8 = 16, 17/4 इसका राइट आंसर होगा। लेकिन इस तरह से हमें नहीं लगाना है, हमें कैसे लगाना है हम बता रहे हैं बच्चों, ये वन डे एग्जाम के लिए आप ऐसे यूज करेंगे उसको। चलिएगा देखिएगा, सभी बच्चे देखेंगे बच्चों, देखिएगा x-1/x की वैल्यू दिया हुआ है, x² + 1/x² की वैल्यू पूछ रहा है,
तो x माइनस होना पानी x बराबर इतना दिया बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए x x x प्लस वन अपान x, एक मिनट क्या लिख दिया जा रहा है यहाँ पर, चलिए बच्चों देख लेते हैं, x माइनस एक बटे x का होल स्क्वायर बराबर बच्चों होता है x प्लस वन अपान में x का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर माइनस में बच्चों माइनस में 4x इंटू वन अपान x, यह फार्मूला होता है हमारा, देख सकते हैं आप बन जाएगा, यही आ जाएगा उसको अगर सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो यहाँ पर x माइनस वन अपान x की वैल्यू बच्चों 3/2 दिया है, तो 3/2 रख देंगे, 3/2 का स्क्वायर बच्चों, इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस में 1 अपान x स्क्वायर बच्चों, प्लस में 2 गुड़े x गुड़े 1 अपान में x बच्चों, और माइनस में 4 गुड़े x गुड़े 1 अपान x तो है ही है, x x से गया या x x से गया बच्चों, x स्क्वायर प्लस 1 अपान x की वैल्यू हमको निकालना है बच्चों, यहाँ पर 4 प्लस 2 इस माइनस 4 है बच्चों, यहाँ पे 2 है तो आपको पता है x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 4 में से 2 जाएगा तो माइनस 2 बचेगा, है ना। देखिएगा बच्चों यहाँ पर 3 × 3 9/4, 9/4 बराबर कितना आ गया आपका x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर माइनस में 2 बच्चों, हमने बताया था 2 ऐड करना है, तो 9/4 प्लस में 2 कर दीजिए बराबर x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर बच्चों, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 × 2 = 8, 9 × 1 = 10, 7 × 17 = 17/4 बच्चों आपका राइट आंसर होगा, x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर की वैल्यू ही पूछा था निकल गया, और इस तरह डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न बच्चों सिंपल सा है, दो प्रश्न लिखते हैं फटाफट आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिएगा देखिएगा सभी लोग देखेंगे, x माइनस 2i प्लस 2i माइनस x, x माइनस 2i प्लस में 3y माइनस में x माइनस में 3x माइनस 2y बच्चों, इसको सरल करना है, इसमें इक्वल कहीं नहीं है, बस सरल कर देना है, हमें बताना है कितना लास्ट में परिणाम आएगा, इसको देखना बच्चों, ये अलग प्रश्न है, 112 माइनस ब्रैकेट में 121 भागे बच्चों, यहाँ पर भागे लिखा है ना, हाँ डिवाइड है यहाँ पर ना, एक मिनट देख लेते हैं हम बच्चों, यहाँ पर 12 डिवाइड है कि क्या है यहाँ पर बच्चों, हाँ बच्चों यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर भागा है 11 × 11 माइनस में फिर अगेन माइनस में 4 फिर माइनस में कर्ली ब्रैकेट 3 माइनस 8 माइनस 1 बच्चों, यहाँ पे बार ब्रैकेट है, लाइन ब्रैकेट जिसे बोलते हैं बच्चों, वेन बोला जाता है इससे बच्चों, इसको सॉल्व करिए फटाफट सॉल्व करेंगे दोनों बच्चों सॉल्व, पहले इसको देखिएगा, x माइनस 2y पहले तोड़ लीजिए ब्रैकेट सबका, प्लस में 3y माइनस में x माइनस में 3x, ये माइनस के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2y हो जाएगा बच्चों ना, सॉल्व कर लीजिए, x यहाँ पर है बच्चों, माइनस 3x माइनस 4x में से 1 चला जाएगा तो -3x बच्चों 3x हो गया, अब -2y यहाँ प्लस 3y तो 3y -2y बच्चों 1y बचेगा, 1y के साथ 2y जोड़ देंगे तो 2 × 1 = 3y बच्चों, प्लस में 3y आ जाएगा, अब इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हम माइनस में x प्लस y लिख सकते हैं, या फिर इसे अच्छे से लिखना चाहें 3y माइनस x लिख सकते हैं, इसको देखना 112 यहाँ पे लिखेंगे 112 माइनस बच्चों यहाँ पर 121, यहाँ पर 11 × 11 मतलब 121, बॉड मास रूल पता होना चाहिए, 121 भागा 121 बच्चों, यहाँ पे माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस 4 हो गया यहाँ पर बच्चों, यहाँ पे माइनस है माइनस, करली ब्रैकेट को तोड़ने से पहले बार तोड़ना पड़ेगा, 3 माइनस माइनस का माइनस रहेगा, 8 में से 1 गया बच्चों 7, यहाँ पर 7 आ गया। अगला स्टेप 112 का 112 लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर 121/121 को 1 लिख देंगे, प्लस में यहाँ पे 4 है तो 4 लिख दिया गया, माइनस में 7 और माइनस 7 बच्चों 3 माइनस 7 माइनस 4 होगा, माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, प्लस 4 होगा, प्लस 4 बचेगा, 4 × 4 = 8 = 9 बचेगा बच्चों, 112 माइनस 9 कर लेंगे, बस राइट आंसर आ गया, यानी कि 9 जाएगा बच्चों, 9 × 3 = 12 होता है, 103 आपका राइट आंसर होगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, बेहतरीन प्रश्न है, एक घंटे बाद अपने आप लेक्चर अगर कट हुआ तो आप लोग ज़रूर शेयर कर देंगे बच्चों, क्योंकि हम नहीं जानते कब लेक्चर कट हो जाएगा, एक घंटे की क्लास होगी, अपने आप लेक्चर हमने एक घंटे का लगा रखा है वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, एक घंटे में अपने आप वीडियो क्लिक कट हो जाएगा, जहाँ तक होगा सही है, नहीं तो आगे चलेंगे कल बच्चों। x प्लस 1 अपान में x स्क्वायर x प्लस बच्चों यहाँ पर कुछ गड़बड़ी, चलिए सही दिया है, यहाँ पर x प्लस 1 अपान में 2x देना चाहिए था इसे ना,
यह गलत दिया बच्चों, यह प्रश्न गलत दिया है। x प्लस वन अपान में दो एक्स की वैल्यू जो है ना, x प्लस वन अपान में दो एक्स की वैल्यू जो दिया हमें, यहाँ पे x स्क्वायर कर दिया, x स्क्वायर नहीं दो एक्स होना चाहिए, बराबर चार दिया है। हमसे पूछ क्या रहा है, x क्यूब प्लस वन अपान में, प्लस वन अपान में बच्चों 8x क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है, बताना बच्चों। वही सेम कमाल करना है जो पिछली बार हमने किया था बच्चों, यहाँ पर प्लस है ना और प्लस का ही पूछ रहा है, तो आराम से कर लेते हैं। देखिएगा x प्लस वन अपान में दो एक्स के होल क्यूब की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे सर x क्यूब प्लस में वन अपान दो एक्स का होल क्यूब प्लस में बच्चों पहला मतलब यहाँ पर तीन होगा, तीन तीन गुड़े एक्स गुड़े वन अपान में दो एक्स और इंटू बच्चों x प्लस वन अपान में दो एक्स होगा, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। जो x प्लस वन अपान दो एक्स की वैल्यू दिया है चार, तो चार के पावर में तीन लिख दीजिए, बराबर x क्यूब प्लस वन अपान दो एक्स क्यूब की वैल्यू हमें चाहिए ही, यानी x क्यूब प्लस वन अपान में दो दूनी चार दूनी आठ, एट एक्स क्यूब की वैल्यू ये तो हमें चाहिए ही। अब यहाँ पे देखना है x से x चला गया, यहाँ बचेगा प्लस तीन और दो नीचे बच्चों तो दो प्लस में x प्लस वन अपान दो एक्स की वैल्यू कितनी है चार है, तो चार का गुणा कर देंगे इसमें, चार का गुणा कर देंगे बच्चों, बताना सही है ना यहाँ तक, दो एकदम दो दूनी चार, फिर से समझ लेना जिसको नहीं समझ में आ रहा है, हमें चाहिए यह दिया था और यह समझाना है बच्चों, यह लाना है हमको। तो आपको पता है a प्लस बी के होल क्यूब का वैल्यू क्या होता है बच्चों, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए इंटू बी ब्रैकेट में a प्लस बी, यह फार्मूला होता है। कहीं कहीं आप अभी अभी देखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर बच्चों, वही काम है, बस यहाँ पर गुणा कर दिया गया है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, इसका हमने होल क्यूब ले लिया, तो होल क्यूब जैसे लिया हमें पता चल गया कि हाँ एक्स क्यूब और दो एक्स क्यूब करेंगे तो आठ एक्स क्यूब आ जाएगा बच्चों, तो इतना अंदाजा तो हो ही जाना चाहिए, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं बच्चों, तो दो का क्यूब तो आठ आना ही है हमें, है ना, तो दोनों चार दोनों आठ, अब एक्स की जहाँ जहाँ वैल्यू है इसका पुट कर दो, इसकी वैल्यू बच्चों चार है, यहाँ पर चार चौके सोलह चौके चौंसठ आ जाएगा, बराबर यहाँ पर हमें यह तो चाहिए ही एक्स क्यूब अपन में एट एक्स क्यूब, ये तो वैल्यू हमको लाना ही है। यहाँ पर देखना बच्चों दो दूने चार कट गया तो प्लस छः आ गया, तीन दूना छः आ गया, अब इस छः को इधर लाएंगे बच्चों तो हमारा वैल्यू पुट हो मिल जाएगा। देखना इस पूरे समीकरण को हम ऊपर लिखते हैं, चौंसठ बराबर एक्स क्यूब प्लस में एट एक्स क्यूब बराबर प्लस में बच्चों छः है, ये छः इधर आ जाएगा, तो चौंसठ माइनस छः, चौंसठ माइनस छः बराबर एक्स क्यूब प्लस में वन अपान एट एक्स क्यूब बच्चों, तो चौंसठ में से छः जाएगा, तो साठ में से अगर बच्चों चार जाता है तो बच्चा है, चौसठ में से चार जाता है तो बचता है बच्चों साठ, और साठ में से दो और चला जाएगा तो 58 बच्चों, 58 इसका राइट आंसर होगा, 58 बराबर एक्स क्यूब प्लस वन अपान में एट एक्स क्यूब बच्चों इसका राइट, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 58 आ जाएगा। बस बच्चों आगे बस यह सेशन था बच्चों, बताना अब आगे कल से कहाँ से स्टार्टिंग होगी देख लेते हैं हम, अब दूसरा PDF खोलना पड़ेगा थोड़ा सा बच्चों, यह पूरे के पूरे जो चार घंटे हो गए, दो घंटे का एक दिन लेक्चर आया था कल एक घंटे का, और बच्चों आज तीसरा लेक्चर है ना, आज तीसरा लेक्चर है, तीसरा लेक्चर खत्म हो गया बच्चों आज का, एक लेक्चर मतलब इसमें एक लेक्चर और आएगा करीब उसमें देख लेते हैं कितने पेज हैं बच्चों, अभी हम देख के बताते हैं, वहाँ से दो PDF बनाया गया है ना, हाँ बच्चों ये भी कल स्टार्ट होगा इसका भी बच्चों, मतलब एक दो घंटे के और क्लास हैं आपके, दो घंटे के जितने भी शॉर्ट बच्चों, एक एक घंटे बहुत हैं, एक घंटे करिए, अभी पेपर आता है तब तक आप रिवीजन करिए, दो से तीन बार, दस बार, पंद्रह बार, जितनी बार आप रिवीजन कर सकें बच्चों रिवीजन करते रहिए ना, चलिए एक घंटे का मतलब पर्याप्त होता है बच्चों, एक घंटे भी नहीं हुए हैं करीब, एक घंटे तक तो है ना, आराम से करते रहिए, इसका रिवीजन करिए, हमें बच्चों बस आप एक तरह से हमें एक तरह से बच्चों आप हमें संतुष्ट करना है, हम तो आपको संतुष्ट करते हैं, आप हमें संतुष्ट करें बच्चों, आप अपना रिजल्ट दें, प्लस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों, ज़्यादा व्यू जलाएं, जिससे हमारी मनोबल बढ़े बच्चों, हमें बच्चों हमें एक तरह से मोटिवेशन मिले आपसे, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो बताएं कहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, कमेंट करें बच्चों उस पर, है ना, सारे क्लासेस UPTET के भी चल रहे हैं बच्चों, उसको भी देखिए, सारे कब खत्म हो गए UPTET के, चल क्या रहे हैं, खत्म हो गए बच्चों, और जो बीच बीच में छोटे बहुत लेक्चर आ जाते हैं उसको भी जरूर देखा करें, जितने भी लेक्चर आते हैं बच्चों आप जरूर फॉलो किया करें, इससे आपका ही फायदा होगा ना, चलिए नमस्कार, धन्यवाद बच्चों।